मंदसौर के ग्राम पंचायत बड़ोदिया से सरपंच पद उम्मीदवार जगदीश दायमा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर गांव में प्रचार किया और जनता को विश्वास दिलाया कि अगर मैं सरपंच बनता हूं तो गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जब मीडिया ने गांव के विकास को लेकर चर्चा की तो जगदीश दायमा द्वारा बताया गया कि गाँव की मेरे द्वारा आज ग्राम बड़ोदिया में घर घर जाकर संपर्क किया और जनता से मेरे पक्ष में वोट डालने की अपील की। गांव की जनता अगर मुझे सरपंच चुनती है तो मैं गांव के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मैं सुबह 4 से 7 बजे से गांव में घूम रहे, हम सारे लोग इकट्ठे हुए और जो समस्या थी गांव की और गांव वालों की भी समस्या थी उसके लिए हमने बैठ के वातावरण किए और इसमें बहुत सारे समस्या बताई। एक तो बताइए, हमारे को गांव में यार पानी की समस्या है, एक दायमा को खड़ा किया है, इनको भारी मतों से हमें विजय बनाना है। हमारी एक इनसे मांग थी, वो इन्होंने पूरी इन्होंने कहा कि जीते ही तुम्हारा पूरा काम मैं करूँगा, स्कूल, एक दवाखाना, टंकी, खेल, जो भी इनके ये इन्होंने किया पूरा वादा निभाऊंगा।